ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रणाम कर लीजिए। आज थोड़ा जो है भगवान का स्मरण करते हैं। आज सीता माता का बर्थडे है, तो सबको सीता माता के बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, शुरू करते हैं। डीप इनहेल करेंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, वन मोर टाइम, डीप इनहेल, एक्सहेल, टू टाइम्स ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, स्टार्ट। डीप इनहेल, स्टार्ट। तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय। स्टार्ट करते हैं सेशन को। अपनी नेक को रोटेट करेंगे 360। इनहेल आप, रोटेट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। चेंज दूसरी तरफ, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन। ओके, इनहेल करेंगे, श्वास भरेंगे, गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, जितना पीछे ले आ सकते हैं, एंड होल्ड। फाइव फोर थ्री टू एंड वन। एक्सहेल, आप ऊपर नीचे करेंगे, वन फ्लेक्शन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, राइट टू लेफ्ट, वन two, three, four, five, six, seven. Okay. हाथ शोल्डर पे रोटेट करेंगे, वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन, आगे की तरफ सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन। आज पैरेलल टू योर शोल्डर, स्मॉल सर्कल पीछे की तरफ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, आगे की तरफ सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन। ओके, एल्बो ज्वाइंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ओके, रिस्ट पे आ जाइए, घुमाइए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। चेंज दूसरी तरफ, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर
थ्री टू एंड वन। ब्रीथ ओके, अभी जो है हम, एक मिनट में जरा बाकी लोगों को म्यूट कर दूं। अभी हम जो है अपनी मुट्ठियां आगे करेंगे, ब्रह्म मुद्रा बनाएंगे, मुट्ठियां घुमाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अंदर की तरफ सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन। ओके, अभी जो है हम लोग थोड़ा सा जो है अपने पंजे, और सॉरी अपनी जो फिंगर्स हैं उनको खोलेंगे पूरी, इनहेल एक्सहेल पूरी ताकत के साथ बंद करेंगे, इनहेल पूरी ताकत के साथ खोलेंगे, एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल, इनहेल वन मोर टाइम, एक्सहेल। ओके, अभी जो है थोड़ा सा जो है हम अपनी जो है बैक को, जो हमारी जो अपर बैक है उसके लिए एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अपनी जो मैट है उस पर लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए, और पंजे जो है जमीन पे, पीछे फिंगर इंटरलॉक, ठीक है, फिंगर इंटरलॉक रखे कमर पे रख लीजिए। इनहेल करेंगे, श्वास भरेंगे, इनहेल करते ऊपर उठेंगे और पीछे खींचेंगे अपने आप को, अपने फिंगर इंटरलॉक क्लॉक, ठीक है, हाथ बिल्कुल सीधे, इनहेल अप वन टू थ्री, एक्सहेल टू मोर टाइम, इनहेल अप वन टू थ्री, एक्सहेल इनहेल अप वन टू थ्री फोर एंड फाइव, एक्सहेल वन मोर टाइम, इनहेल अप वन टू थ्री फोर एंड फाइव, एक्सहेल। दोनों हाथों को आगे रख दीजिए इस तरह से, आपकी उंगलियां, हाथों की उंगलियां एक एक दूसरे को फेस कर रही हो, ठीक है, और इनहेल करेंगे, छाती के नीचे दोनों हाथ, दोनों चेस्ट के नीचे आपके हाथ और उंगलियां एक दूसरे को फेस करती हुई इनहेल करेंगे, हाथ सीधे करेंगे, एल्बो जॉइंट सीधे, इनहेल अप होल्ड करेंगे, फाइव फोर थ्री टू एंड वन, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप फाइव होल्ड फोर थ्री टू एंड वन, एक्सहेल डाउन, वापस इनहेल अप, होल्ड फाइव फोर थ्री टू एंड वन, एक्सहेल वन मोर टाइम, इनहेल अप, होल्ड फाइव फोर थ्री टू एंड वन, एक्सहेल डाउन। ओके, अभी अपने हाथों को जो है अपने शोल्डर के नीचे रख लीजिए इस तरह से, ठीक है, और हाथों को ऊपर उठाना है, इनहेल इस तरह से, ठीक है, ये आपकी थोरसिक जो कमर है, एरिया है थोरसिक, उसको फ्लेक्सिबल बनाएगा, ठीक है। चलिए पंजे मिला लीजिए, एंकल फ्लैट, इनहेल करेंगे सर्पासन, इनहेल अप लिफ्ट अप फाइव फोर थ्री टू एंड वन, एक्सहेल डाउन, टू मोर टाइम, टू मोर टाइम, इनहेल अप फाइव फोर थ्री टू एंड वन, एक्सहेल डाउन, वन मोर टाइम, इनहेल अप फाइव फोर थ्री टू एंड वन, एक्सहेल डाउन। ओके, अभी यहां से थोड़ा सा भुजंगासन करेंगे,
रोटेट करेंगे, शोल्डर को रोल बैक करेंगे अंदर की तरफ, हाथ जो है शोल्डर के नीचे। इनहेल आप श्वास भरेंगे, नाभि तक उठेंगे। इनहेल आप 5, 4, 3, 2 and 1 एक्सहेल डाउन। वापस से इनहेल अप, रोल बैक योर शोल्डर्स, इनहेल अप नाभि तक 5, 4, 3, 2 and 1 एक्सहेल डाउन। टू मोर टाइम, रोल बैक योर शोल्डर्स, इनहेल अप 5, 4, 3, 2 and 1 एक्सहेल डाउन। One more time, roll back your shoulders, inhale up, 5, 4, 3, 2 and 1 exhale, head अपना जो है forehead लगा दीजिए अपने mat पे, ठीक है, हाथ सीधे, हाथ सीधे। Now अपनी chin जो है chin लगाइए अपने mat पे, ठीक है। इनहेल करेंगे, इनहेल करते हुए आपका आगे का पोर्शन और पीछे का पोर्शन दोनों उठेगा शलभासन के लिए, ठीक है। इनहेल अप, हाथ जमीन पे रहेंगे, केवल जो है आपका हेड और आपके लेग्स, ठीक है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री है, थोड़ा सा उससे ऊपर, बस इतना उठा रहा है, सारा वेट नाभि पे आ जाएगा, पेट पे आ जाएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट, होल्ड 5, 4, 3, 2 and 1 रिलैक्स, एक्सहेल डाउन। थ्री मोर टाइम, इनहेल अप 5, 4, 3, 2 and 1 एक्सहेल डाउन। Inhale up, 5, 4, 3, 2 and 1 exhale down, inhale up, 5, 4, 3, 2 and 1 exhale, relax। अभी क्या करेंगे, उल्टे लेट जाएंगे, कमर के बल, कमर के बल लेट जाएंगे और कंधारासन वगैरह करेंगे थोड़ा सा। चलिए अपने पैरों को जो है ले आइए अपने हिप्स के साथ, ठीक, हिप्स के साथ लगा लीजिए और अपने जो एंकल हैं उनको पकड़ लीजिए, ठीक है, हाथ नीचे। इनहेल करेंगे, श्वास भरेंगे, अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे, इनहेल अप, चिन लॉक लगने की, चिन लॉक लगेगा आपका जो है, चिन लॉक लगना चाहिए इस तरह से, कंधार आसन, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, 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 एक्सहेल डाउन। ओके, रिलैक्स। यहां पे अभी हमने पूरी कमर को जो है अच्छे से मसाज कर ली है, खोल लिया है, ठीक है। अब हम जो है क्या करेंगे, आपने जो राइट लेग है उसको ऊपर उठाएंगे, ठीक है, और सर्कल बनाएंगे यहां से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेंज, दूसरी तरफ 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1
चेंज करेंगे लेग, लेफ्ट लेग उठाएंगे ऊपर, सर्कल बनाएंगे राइट साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चेंज दूसरी तरफ, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, ओके। लेग्स को लेके आएंगे, हिप्स के साथ रखेंगे, दोनों पैरों को पवन मुक्तासन करेंगे, इनहेल करेंगे, पेट में श्वास भरेंगे, इनहेल, पेट में श्वास भर के बेंड योर नीज, एक्सहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, दोनों लेग्स को पकड़ेंगे, जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम वो ऊपर ना उठे, और अपनी चिन टच करने की कोशिश करेंगे अपनी दोनों नीज के बीच में, जिसको सर्वाइकल का इशू है वो ऊपर ना उठे, बाकी लोग उठ सकते हैं, और रोल करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, रोल टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ रोल करेंगे, रोल टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट रोल करेंगे, राइट लेफ्ट रोल, राइट रोल, लेफ्ट रोल, राइट रोल, लेफ्ट रोल, राइट रोल, लेफ्ट, ओके। अपनी अपनी जगह पे जो है बैठ जाएं आराम से, और अपने जो पैरों को बेंड करके अपने हिप जॉइंट को थोड़ा सा हम लोग घुमाएंगे, पकड़ लीजिए इस तरह से, ये रोलिंग, स्टार्ट रोलिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, change your legs, start, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, okay, join your legs, अपने legs के soles join कर दीजिए, और अपने NS पे touch कीजिए, start करेंगे butterfly यहां से, start, 1, 2, जितनी ताकत हो उतनी ताकत से कीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1,
अपने जो है पैरों को सीधा कर लीजिए और अपने गोल घुमाएंगे, देन वील स्टार्ट टुडे टुडेज योगा प्रैक्टिस. वन, राइट साइड घुमाइए, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, चेंज टू अदर साइड, फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन. उंगलियां खोलेंगे, बंद करेंगे, फाइव, पैरों की उंगलियां, फोर, थ्री, टू एंड वन. ओके, खड़े हो जाइए सबके सब, और जो है अपने टोस को 20 टाइम्स अप एंड डाउन करेंगे. चलिए स्टार्ट करेंगे. वन, टोस बोलो, अपनी हील्स को अप एंड डाउन करेंगे, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन. ओके, थोड़े से पैर खोल लीजिए, शोल्डर लेवल डिस्टेंस. अपने नीज को आगे की तरफ झुक जाइए इस तरह से, एंड रोटेट करेंगे, वन, टू अंदर की तरफ, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन. चेंज दूसरी तरफ, टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन. ओके, ए जूम मीटिंग 10 मिनट में खत्म हो जाएंगी, देन वी विल हैव टू जॉइन बैक अगेन. सो नाउ वी विल स्टार्ट द योगासना फॉर टुडे. आज जो है हम लोग करने वाले हैं सूर्य नमस्कार वापस से, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप सूर्य नमस्कार थोड़ा सा कर लें अच्छे से. तो आज सूर्य नमस्कार, त्रिकोण आसन, ठीक है, इनका मिक्स रहेगा, बट हम लोग प्रॉपर जो सूर्य नमस्कार है वो नहीं करने वाले, ठीक है. तो मैं जो जो आसन के नाम बोलते जाऊंगा, आप वो आसन करते जाएंगे, ठीक है. तो जैसे सूर्य नमस्कार में अलग अलग आसन थे, हस्तोत्थान और पाद हस्त, भुजंगासन, पर्वत आसन, ठीक है. फिर उसके अलावा मैंने आपको जो है अलग आसन भी बताए, जैसे कि वीरभद्र आसन, ठीक है, वीरभद्र वन, वीरभद्र टू, इस तरह से जो बताए. त्रिकोण आसन जो आपको बताया मैंने, उत्थित त्रिकोण आसन. तो आप जो है सिंपली फॉलो करते जाइए, ये एक फ्लो है, आज एक फ्लो में चलेंगे, ठीक है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं, अपने मैट पे आ जाइए, अपने मैट के आगे वाले पोर्शन पे, ठीक, अपने मैट के आगे वाले पोर्शन पे आ जाइए, एंड देन वी विल स्टार्ट फॉर टुडे. ओके, सो अपने मैट के आगे वाले पोर्शन पे दोनों लेग्स मिले हुए, समस्थिति, एडियो पर जो है आपके वेट कम, वेट आपका ज्यादा ट्रांसफर होना चाहिए आपके पंजों पे, प्रणाम मुद्रा. इनहेल आप हस्तोत्थान, एक्सहेल पादहस्त, आगे की तरफ झुकते हुए जाएंगे, अपने वेट को ट्रांसफर करेंगे अपने टोस पे, अपने हील्स को ग्रिप बनाएंगे, अपना पेट जो है वो टच करने की कोशिश करेंगे अपनी थाइस के साथ, श्वास छोड़ते हुए. एक्सहेल, दोनों हाथ नीचे फर्श पे, राइट लेग पीछे जाएगा, अश्व संचालन, एंकल फ्लैट पीछे वाला, एंड लुक अप. इनहेल करेंगे, राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, इनहेल, राइट हैंड ऊपर, एक्सहेल, राइट हैंड को ले जाएंगे लेफ्ट आर्मपिट पे, सॉरी लेफ्ट नी पे, राइट हैंड की आर्मपिट जाएगी लेफ्ट जो नी है उस पे, एंड यहां से ट्विस्ट बैक एंड लुक अप. एक हाथ ऊपर, जो लेफ्ट हैंड है वो ऊपर,
होल्ड करेंगे, फाइव फोर थ्री टू एंड वन, एक्सहेल कम बैक, दोनों हाथ वापस जमीन पे, इनहेल ऊपर की तरफ देखेंगे अश्व संचालन, एक्सहेल दोनों हाथ फिंगर इंटरलॉक लगा के आपके नी पे, इनहेल कमर को पीछे की तरफ थोड़ा सा झुकाएंगे, लुक बैक आंजनेय आसन, एक्सहेल कम बैक, दोनों हाथ जमीन पे, पाम्स ऑन योर मैट, एक्सहेल श्वास छोड़ते हुए पीछे पैर ले जाएंगे पर्वतासन, आपके दोनों पंजे मिले हुए, आपकी लोअर बैक सीधी, घुटने सीधे, कोशिश करें आपका जो है उड्डयन बंद लगे, पेट में से सारी हवा निकालें, एक्सहेल श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे चतुरंग दंड आसना, एक्सहेल ड्रॉप योर नी चेस्ट एंड फोरहेड अष्टांग प्रणाम, इनहेल करेंगे रोल बैक योर शोल्डर्स एंड लुक बैक, एंकल फ्लैट रहेंगे पीछे, भुजंगासना, एक्सहेल स्लाइड बैक पर्वतासना, राइट लेग आगे ले जाएंगे, टेक योर राइट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग आगे लेके आइए, ड्रॉप योर नी, अपनी नी को पीछे वाली नी को जमीन पे रखिए, इनहेल श्वास लेते हुए ऊपर, एक्सहेल दोनों हाथ अपने जो है नी पे रखिए फिंगर इंटरलॉक लगा के, एक्सहेल श्वास छोड़िए, इनहेल एक हाथ ऊपर, एंड आपका जो लेफ्ट हैंड है उसकी जो आर्मपिट है उसे आप इस तरह से अपना जो राइट नी है उसके साथ में आप जो है रख सकते हैं, एंड योर राइट हैंड अप, लुक अप, फाइव फोर थ्री टू एंड वन, इनहेल श्वास भरें, दोनों हाथ वापस नी पे, आंजनेय आसना, लुक बैक, एक्सहेल श्वास छोड़े वापस से दोनों हाथ नीचे, एक्सहेल श्वास छोड़े पादहस्त आसना, ट्राई टू होल्ड योर एंकल्स एंड ब्रीद आउट, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ अपना जो बेली एरिया है वो टच करने का प्रयास करें अपनी थाइस के साथ, इनहेल अप हस्तोत्थान, श्वास भरते हुए पर जाए, एक्सहेल प्रणाम, इनहेल श्वास भरेंगे अपना राइट लेग पीछे लेके जाएंगे, इनहेल राइट लेग पीछे, आपके जो पंजे हैं दोनों सामने फेस करें, हाथ ऊपर, एक्सहेल श्वास छोड़े अपने राइट लेग को जो है राइट साइड में जो है फेस कराएं, राइट फीट का राइट फीट जब राइट पंजा है राइट साइड में, एक्सहेल श्वास छोड़ते हुए अपने राइट हैंड से अपने राइट जो टो है उसको होल्ड करने का प्रयास करें, एंड जो लेफ्ट हैंड है वो ऊपर, एंड लुक अप उत्थित त्रिकोण आसना, एक्सहेल श्वास छोड़े ऊपर आए वापस, एक्सहेल श्वास छोड़े अपना जो लेफ्ट लेग है उसको फेस कराए लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड से होल्ड करें ग्रिप करें इसके एंकल को, एंड लुक अप उत्थित त्रिकोण आसना, होल्ड करेंगे थ्री टू एंड वन, इनहेल श्वास भरते हुए आगे वाला जो पैर है आपका जो आगे वाला पैर है वो 90 डिग्री पे आएगा इस तरह से, ये जो एरिया है
आगे वाला पोर्शन वो 90 डिग्री पे, एंड दोनों हाथ पैरेलल टू योर शोल्डर, वीरभद्र टू, इनहेल राइट हैंड के साथ ले जाइए हाथ ऊपर, वीरभद्र वन, एक्सहेल दोनों हाथ नीचे वापस ग्राउंड पे ऑन योर मैट, एक्सहेल लेफ्ट लेग पीछे पर्वतासन, उद्यान बंद लगाएंगे, होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2 and 1. Exhale, drop your knees, your chest and forehead. Ashtanga pranam. Roll your shoulders back. Inhale up. Shoulders roll back karenge. And look back. Bhujangasana. Exhale. Slide back. Parvatasana. उड्यान बंद लगाने की कोशिश करें, होल्ड करेंगे इसमें, उड्यान बंद, होल्ड 3, 2 and 1. एक्सहेल राइट लेग आगे लेके आएंगे दोनों हाथों के बीच में, एंड पीछे वाला जो नी है उसको ड्रॉप करेंगे नीचे, एंड लेफ्ट हैंड की जो आर्म पेट है उसे लेके आएंगे राइट नी के साथ में, हाथ नीचे and look up, right hand आपका जो है ऊपर, try to look up, 3, 2 and 1, exhale down, दोनों हाथ floor पे, exhale, right leg पीछे जाएगा, पर्वतासन, वापस से चलिए तो आगे आ जाइए, आपका लेफ्ट लेग आगे था दोनों हाथों के बीच में, एंड आपकी नी पीछे जो है ड्रॉप थी, ठीक है, आप अपना राइट आर्म पेट जो है उसको ले जाएंगे लेफ्ट जो आपका जो नी है उसके साथ में, और हाथ नीचे रखेंगे राइट हैंड, एंड लुक अप, 3, 2 and 1. कम बैक, वापस से हाथ नीचे, इनहेल अप, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ गर्दन, एक्सहेल दोनों हाथ जो है फिंगर इंटरलॉक आपके नी पे, इनहेल जितना पीछे जा सकते हैं, श्वास भर के पीछे की तरफ, एक्सहेल श्वास छोड़िए आगे आइए दोनों हाथ नीचे जमीन पे, एक्सहेल लेफ्ट लेग पीछे लेके जाइए पर्वतासन, दोनों जो घुटने हैं सीधे रहेंगे, पंजे आपस में मिले हुए, लोअर बैक सीधी, पेट में उड्यान बंद लगाने की कोशिश करें, 3, 2 and 1, एक्सहेल श्वास छोड़े, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएं, वो चतुरंग दंड आसना, ड्रॉप योर नीज, योर चेस्ट and your forehead, inhale करेंगे, श्वास भरेंगे, roll back your shoulders, श्वास भरते हुए slide up, पीछे ankle flat and look back, 3, 2 and 1, exhale, slide back, पर्वतासन, वापस अपने right leg आगे ले जाएंगे दोनों हाथों के बीच में, एंड लुक अप, इनहेल लुक अप, एक्सहेल लेफ्ट लेग आगे लेके आएंगे राइट लेग के साथ, एंड पाद हस्त आसना, ट्राई टू होल्ड योर नीज, एक्सहेल श्वास छोड़ते हुए अपनी थाई को और अपने बेली एरिया को टच करने की कोशिश करें, जो नीचे जा सकता है they are most welcome, inhale up, श्वास भरे हस्तो थान आसना, exhale प्रणाम,
इनहेल श्वास भरेंगे, राइट लेग लेके जाएंगे दूसरी तरफ अपने जो है मैट के, लेग्स को खोलेंगे, आपके पंजे जो है सामने की तरफ फेस करते हुए, हाथ आपके जो है पैरेलल टू योर शोल्डर। एक्सहेल श्वास छोड़ेंगे, राइट फीट घुमाएंगे राइट साइड, एक्सहेल नीचे जाएंगे, राइट फीट का टो पकड़ेंगे एंड लुक अप, कहीं भी घुटना नहीं मुड़ेगा। उत्थित त्रिकोण आसना, एक्सहेल श्वास छोड़ेंगे, कम बैक, यहां से अपने राइट लेग की तरफ ही जो है 90 डिग्री पे इसको जो है हम आगे बेंड कर देंगे अपनी नी को, एंड ट्राई टू लुक फॉरवर्ड सामने, 3, 2 एंड 1। इनहेल आप श्वास छोड़ते हुए वीरभद्र 1, एक्सहेल वापस से नॉर्मल पोजीशन। अब यही उत्थित त्रिकोण आसना हमें लेफ्ट राइट करना है। एक्सहेल लेफ्ट लेग घुमाएंगे अपना, लेफ्ट फीट घुमाएंगे लेफ्ट साइड, एक्सहेल श्वास छोड़ेंगे, लेफ्ट फीट का जो टो होल्ड करेंगे एंड ट्राई टू लुक अप, 3, 2 एंड 1। इनहेल श्वास भरते हुए ऊपर वापस, वापस लेफ्ट साइड वीरभद्र, आगे की तरफ जो है नी को बेंड करेंगे 90 डिग्री पे एंड हैंड्स पैरेलल टू योर शोल्डर, होल्ड करेंगे 3, 2 एंड 1। इनहेल आप श्वास भरते हुए फेस करेंगे लेफ्ट साइड को पूरा, होल्ड करेंगे 3, 2 एंड 1। एक्सहेल वापस दोनों हाथ नीचे, आपके जो है पैर आपकी बाकी दोनों हाथों की उंगलियां एक सीध में, ड्रॉप योर नी, नी ड्रॉप करेंगे, अपना राइट हैंड ले जाएंगे वापस, अपने लेफ्ट जो नी है उसके साथ में इस तरह से ट्विस्ट करेंगे थोड़ा अपने आप को, राइट हैंड नीचे रखेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर एंड ट्राई टू लुक अप, 3, 2 एंड 1। एक्सहेल श्वास छोड़ें, वापस से दोनों हाथ जमीन पे, इनहेल लुक अप, वापस एक्सहेल फिंगर इंटरलॉक, दोनों हाथ नी पे, इनहेल श्वास भरे एंड ट्राई टू लुक बैक, एक्सहेल श्वास छोड़ें, दोनों हाथ नीचे, पर्वतासन, पर्वतासन में होल्ड करेंगे थोड़ी देर, 3, 2 एंड 1। एक्सहेल श्वास छोड़ते हुए अपने राइट लेग को आगे लेके आएंगे दोनों हाथों के बीच में एंड ड्रॉप योर नी, पीछे वाले पैर की नी ड्रॉप करेंगे, ऊपर उठेंगे, इनहेल अपने लेफ्ट आर्म पेट को जो है वो लेके आएंगे राइट नी के साथ में, एक्सहेल श्वास छोड़ के रखेंगे ठीक है, और अपना लेफ्ट हैंड जमीन पे रेस्ट करेंगे, इनहेल इनहेल अप, ट्राई टू लुक अप, ऊपर देखिए, 3, 2 एंड 1। एक्सहेल वापस जाएंगे हाथ दोनों जमीन पे, इनहेल अप, श्वास भरेंगे थोड़ा सा ऊपर उठेंगे अश्व संचालन, एक्सहेल श्वास छोड़ेंगे फिंगर इंटरलॉक बना के रखेंगे राइट नी पे, पीछे वाला एंकल फ्लैट, इनहेल करेंगे श्वास भरते हुए पीछे आंजनेयासन, एक्सहेल आगे आएंगे पर्वतासन, पर्वतासन होल्ड करेंगे उड्डयन बंद लगाएंगे, 3, 2 एंड 1। एक्सहेल ड्रॉप योर नीज, नी ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप योर चेस्ट, ड्रॉप योर फोरहेड, अष्टांग प्रणाम, इनहेल अप, रोल बैक योर शोल्डर्स, शोल्डर रोल बैक कीजिए
एंड ट्राई टू लुक बैक, भुजंगासन, थ्री टू एंड वन, एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए स्लाइड बैक, उद्यान बंद लगाने की कोशिश करें, फाइंड योर बैलेंस, उद्यान बंद, होल्ड करेंगे थ्री टू एंड वन, एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए राइट लेग को आगे लेके जाएंगे, 15 उंगलियां एक सीध में एंड अश्व संचालना, एक्सहेल, लेफ्ट लेग को आगे लेके जाएंगे, दोनों पैर एक साथ, एक्सहेल, ट्राई टू होल्ड योर एंकल्स एंड ट्राई टू टच योर बेली विद योर थाई, कोशिश करेंगे जितना नीचे जा सके लेकिन ज्यादा खींचना नहीं है, इनहेल अप हस्तोत्थान, एक्सहेल प्रणाम, एक्सहेल रिलीज, रिलीज करेंगे यहां से, अब वापस से एक आसन देखेंगे वो है परिवृत्त उत्थित त्रिकोण आसना। ये कैसे होता है, जैसे हम उत्थित त्रिकोण आसन करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होता, परिवृत्त मतलब कि ट्विस्ट होना, ठीक है, तो जैसे मैं राइट साइड करूंगा तो राइट मेरा जो फीट है वो फेस करेगा राइट, एक्सहेल, श्वास छोड़ूंगा, ठीक है, होल्ड करूंगा अपने राइट नी को, सॉरी अपने राइट एंकल, राइट टो को, एंड देन लुक अप, ये है उत्थित त्रिकोण आसना। जब मैं इसी को लेफ्ट हैंड जो ऊपर था उसको नीचे रख दूंगा और अपोजिट साइड में पीछे की तरफ करूंगा एंड लुक अप, दिस इज उत्थित त्रिकोण, परिवृत्त उत्थित त्रिकोण आसन, एक्सहेल। इसमें थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना शुरुआत में मुश्किल होता है, तो आप इसे प्रैक्टिस करोगे पहले, ठीक है, कल घर पे अपोजिट साइड में जो हाथ ऊपर था उसको अपोजिट साइड में ले जाके हाथ ऊपर करना, ठीक, ये मैंने कराया नहीं क्योंकि इसमें लोग गिर सकते हैं, ठीक, तो अभी जो है स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा मक्षिकांग प्रैक्टिस, तो वापस बैठ जाइए अपने मैट पे इस तरीके से काग आसन में, काग आसन में आ जाएं सारे, काग आसन होल्ड कर लें अपने पैरों को, डीप इनहेल करेंगे, इनहेल वन, एक्सहेल, इनहेल टू, एक्सहेल, इनहेल थ्री, एक्सहेल, ओके, अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे, पीछे फिंगर इंटरलॉक लगाएंगे, एक्सहेल करेंगे, ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, पैर सीधे, और कोशिश ये करना है थोड़ा सा अपना हेड टच करने की कोशिश, जिसका हो रहा है ठीक है, जिसका नहीं हो रहा कोई इशू नहीं है, ठीक है, हाथ सीधे करने की कोशिश करें जितने हो पा रहे हैं, डोंट ट्राई टू स्ट्रेच टू मच, जितना आप कंफर्टेबल है उतना करें, एक्सहेल, इनहेल, कम बैक, वापस से एक राउंड और करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, स्ट्रेच, फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन, ओके, अभी यहां से जो है हम थोड़ा सा मक्षिकांग करेंगे, मक्षिकांग कैसे, स्पाइनल ट्विस्ट, तो आपका जो लेफ्ट लेग है उसको अपने आप राइट जो हिप है उसके नीचे रखेंगे, आपका राइट लेग आगे और राइट लेग के नीचे से अंदर से, ये जो स्पेस जो है इसके अंदर खाली, ठीक है, आपने राइट लेग आगे रखा है, इसके अंदर स्पेस आएगा, अंदर से हाथ डालेंगे एंड होल्ड इट एंड लुक बैक, दिस इज मक्षिकांग, ठीक है, वापस से देख लीजिए, कोशिश कीजिए, चलिए, आपका लेफ्ट लेग जो है बेंड होगा राइट हिप के नीचे, राइट लेग आपका आगे एंड एक्सहेल करते हुए श्वास छोड़ेंगे, अंदर से हाथ डालेंगे, जो स्पेस है
हाथ निकालेंगे पीछे की तरफ एंड होल्ड एंड लुक बैक. थ्री टू एंड वन. एक्सहेल, श्वास छोड़ेंगे वापस. इसे दूसरी तरफ करेंगे. आपका जो राइट लेग है बेंड होगा, आपके जो लेफ्ट हिप है उसके नीचे रेस्ट करेगा, और आपका लेफ्ट जो लेग है वो सामने, इसमें जो जगह है लेफ्ट लेग के अंदर जो जगह है उससे लेफ्ट हैंड को निकालिए एंड ट्विस्ट करके रोल करके पीछे की तरफ लेके आइए एंड ट्राई टू लुक बैक. होल्ड करेंगे थ्री टू एंड वन. ओके, वापस आएंगे. अब इसी का एक वेरिएशन है, इसकी थाई को जो है इसको हम जो है अभी अंदर से ना निकाल के बाहर से निकालेंगे. एक्सहेल, आपका जो लेफ्ट लेग है वो रेस्ट करेगा वैसे ही राइट हिप के नीचे, और आपका जो राइट जो लेग है वो थोड़ा सा जो है उसमें डिस्टेंस नहीं होगा बीच में. आप आगे झुकेंगे. एक्सहेल, आगे झुक के जो है एंड ट्विस्ट बैक. थ्री टू एंड वन. इसी तरह से जो है आपको दूसरी तरफ करना है. आपका जो अब राइट जो लेग है वो लेफ्ट हिप के नीचे रेस्ट करेगा एंड लेफ्ट लेग जो है आपका वो इस तरह से बेंड होगा, डिस्टेंस नहीं होगा बीच में. एक्सहेल करेंगे श्वास छोड़ते हुए आगे. अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को इस तरह से आप जो है लेके जाएंगे पीछे की तरफ, और आपको जो राइट हैंड है वो पीछे की तरफ जाएगा, उसको आप होल्ड करेंगे एंड ट्राई टू लुक बैक अपने राइट साइड से. थ्री टू एंड वन. ओके, रिलीज. थोड़ा सा जो है फॉरवर्ड बेंड करेंगे जानू शीर्ष, और उसके बाद फिर हम लोग क्लास वाइंड अप करेंगे. अपने लेफ्ट जो पैर है उसको बेंड कीजिए, उसके सोल को लगाइए थाई के साथ, एंड आपका जो राइट लेग है वो सीधा रहेगा. ठीक है, इनहेल करेंगे कमर सीधी. इनहेल, श्वास भरिए. एक्सहेल डाउन. जो एंकल ग्रिप कर सकता है एंकल ग्रिप कर ले. अपना पेट टच करना है थाई के साथ. ठीक है, पेट थाई के साथ टच करने की कोशिश करें. जो एंकल ग्रिप कर सकता है एंकल कर ले, जो टो कर सकता है टो कर ले, या जो आगे इंटरलॉक लगा सकता है वो इंटरलॉक लगाए, जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी. एंड एक्सहेल डाउन. जो नीचे जा सकता है वो नीचे चले जाए. थ्री टू एंड वन. इनहेल अप, वापस. एक्सहेल, चेंज करेंगे जानू शीर दूसरी तरफ. आपका जो लेफ्ट लेग है वो सीधा रहेगा, राइट लेग का जो सोल है वो लेफ्ट थाई के साथ टच रहेगा. कमर सीधी, पैर सीधा. इनहेल अप, श्वास भरे. एक्सहेल डाउन. एक्सहेल करते हुए आगे आपको जो है झुकना है, और कोशिश करना है अपने बेली को टच करने का अपने थाई के साथ. थ्री टू एंड वन. इनहेल अप, वापस. रिलैक्स. थोड़ा सा शवासन में लेटेंगे 5 मिनट एंड देन वील लीव द क्लास. ओके, लेट जाइए सब लोग अपने मैट पर. ओके, अपने जो लेफ्ट हैंड को आप रखिए अपने नाभि पे, और राइट हैंड को रखिए अपनी चेस्ट पे, और डीप इनहेल करेंगे. डीप इनहेल करते हुए अपनी जो आती हुई जाती श्वास को महसूस करेंगे, और जब आपका पेट उठ रहा है श्वास भरते हुए उसे महसूस करेंगे. डीप इनहेल, एक्सहेल. डीप इनहेल,
एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, वन मोर टाइम, डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल। यहां से हम लोग जो है अभी ओम का उच्चारण करेंगे 5 times, डीप इनहेल, स्टार्ट। रम का उच्चारण करेंगे, डीप इनहेल, स्टार्ट, रम। डीप इनहेल करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, ध्यान रहेगा नेवल पे, नाभि पे, डीप इनहेल, स्टार्ट। डीप इनहेल करेंगे, रम का उच्चारण करेंगे, ध्यान कर रहेगा हमारा सीने पे, डीप इनहेल, स्टार्ट, रम। डीप इनहेल करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, डीप इनहेल, ध्यान नाभि पे, स्टार्ट। डीप इनहेल करेंगे, रम का उच्चारण, ध्यान सीने पे, स्टार्ट, रम। वन मोर टाइम, डीप इनहेल, ओम का उच्चारण, ध्यान नाभि पे, डीप इनहेल, स्टार्ट, डीप इनहेल, ध्यान सीने पे, उच्चारण रम, डीप इनहेल, स्टार्ट, रम। हाथ दोनों सहज भाव से नीचे जमीन पे, हथेलियां आसमान की ओर फेस करती हुई, डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन चलता रहेगा। एक बार अपने आप को देख जाइए, अपने जो है पैर के नाखून से सर के टिप तक, आपके पैर, आपके जो है टोज के जॉइंट्स, आपके एंकल जॉइंट, आपका नी जॉइंट, आपकी थाई, आपकी वेस्ट, आपके हिप जॉइंट्स, आपका बेली एरिया,
आपकी कमर, आपके शोल्डर्स, आपके कॉलर बोन्स, आपके बाजूबंद, आपके एल्बो जॉइंट, आपके रिस्ट जॉइंट, आपके उंगलियों के जॉइंट, आपके हाथ के अंगूठों के जॉइंट, वापस आपकी गर्दन पर, आपके गर्दन सर्वाइकल एरिया के जॉइंट, अपने कपाल पर और अपने शिखा बिंदु पर, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान को लेकर आइए दोनों बाहों के बीच में और अपने ध्यान को यहां स्थिर कीजिए। डीप इनहेल करते हुए अपने जो हृदय की गति को महसूस करने का प्रयास करें। आप देखेंगे आपके हृदय की गति जो है शुरुआत में थोड़ी सी तेज लगेगी, बाद में अपने आप ही धीरे धीरे स्लो होती जाएगी। आप अपने हृदय को भी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। डीप इनहेल कीजिए, डीप एक्सहेल अपने हृदय की गति को महसूस करने का प्रयास करें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, फोकस ऑन योर हार्ट बीट, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। आप जिस किसी भी इष्ट का ध्यान करते हैं, जिस किसी भी इष्ट को मानते हैं, उनका अपने हृदय में ही दर्शन करने का प्रयास करें, उनको अपने हृदय में ही विराजमान स्वरूप जो है परमपिता परमेश्वर का, उनका दर्शन करने का प्रयास करें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। शांत भाव, अपने आप को केवल एक साक्षी भाव से देखना, बस देखना इस शरीर की गतिविधियों को किस तरह से शरीर कार्य कर रहा है और ये आकलन करना कि क्या मैं ये शरीर हूं, क्या ये मैं शरीर हूं, जिस शरीर अभी जो इस जो पृथ्वी पर जो फर्श पर लेटा है, मैट पर लेटा है, क्या मैं ये शरीर हूं या मैं कुछ और, इस चीज का अनुभव करने का प्रयास करना। और अगर मैं ये शरीर नहीं हूं तो मैं क्या हूं, क्या मैं वो आत्मा जो परमपिता परमेश्वर का जो स्वरूप है, जो उनका अंश है, क्या मैं वो हूं, क्या मेरा और इस शरीर का कोई संबंध है, इस विषय में थोड़ा चिंतन करने का प्रयास करना। इस चिंतन से अपने आप को देखना, अपने शरीर को देखना कि क्या इस शरीर का मुझसे संबंध है, क्योंकि मैं परमपिता परमेश्वर का अंश मात्र हूं, तो इस शरीर का मेरे से क्या संबंध है। योग की परम जो उपलब्धि है निर्बीज समाधि, निर्बीज समाधि में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो क्या उसका ये शरीर और ये आत्मा जो मैं हूं उसका कोई संबंध रहता है, इस बारे में भी थोड़ा आकलन करना। तो अगर संबंध नहीं है तो इस शरीर को क्यों धारण किया हुआ है, इस बारे में भी विचार करना। और इस बारे में विचार करना कि संबंध नहीं है, धारण क्यों किया है शरीर, और ये धारण करने का फिर लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को निर्धारित करना और आने वाले जो भी योगिक प्रक्रियाएं हैं, योगिक क्रियाएं हैं, उसमें उस लक्ष्य को केंद्र मानकर अपनी साधना को आगे ले जाना, ये सोचकर, ये भाव रखकर अपने मन में, अपने लक्ष्य को भाव रखकर, केंद्र रखकर आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रफ करेंगे, अपनी आईज के साथ टच करेंगे, लगाएंगे, प्लेस योर पाम्स ऑन योर आईज। अपनी हथेलियों में ही आंखों को 3 से 4 बार खोलेंगे एंड वापस अपनी हथेलियों को आंखों पे और अपने सर पे लगाते हुए अब बाहर देखेंगे।
राइट साइड करवट लेके आप बैठ सकते हैं. एंड दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. आज के लिए इतना ही. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबने सेशन ज्वाइन किया. किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम जो है सेशन एंड कर सकते. ठीक है, चलिए. बहुत बहुत धन्यवाद. टेक केयर. आपका दिन शुभ हो.